हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बर्गर रेसिपी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम बर्गर टिक्की बनाने के लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ करेंगे। हमने कोई भी मैदा या कॉर्नफ्लोर नहीं लिया है, ना हमने अरारोट लिया है। हम ब्रेड से बर्गर बनाएंगे टिक्की। तो चलिए हम टिक्की तैयार करते हैं। तो टिक्की के लिए हमने देखिए ब्राउन ब्रेड लिया है हमने, और ये बारीक कटा हुआ प्याज और उबले हुए आलू लिए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो आलू को मैशर से भी मैश कर सकते हैं। सभी आलू को हमें ऐसे ग्रेट कर लेना है, और इसको हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे, जिससे हमारा इजी हो जाएगा सबको मिक्स करने के लिए। इसके अंदर हम अपने बारीक कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे, और आप चाहे तो हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं बारीक कटी हुई। हमने इसमें थोड़े से मटर ऐड किए हैं, मटर हमारे बॉयल हैं। आप इनको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमने ब्रेड को भी इसमें ऐड कर दिया है, जो ब्रिक पिक हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड करेंगे। इसमें हमने लाल मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च डाली है, और आधा चम्मच हमने जीरा पाउडर डाला है, और एक चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और एक चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डाला है, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये थोड़ी सी हमने इसमें काली मिर्च डाली है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि हमारे सारे मसाले इसमें अच्छे से ऐड हो जाएँ, अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और देखिए बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। तो चलिए उससे पहले सॉस तैयार कर लेते हैं। हमने ये मेयोनीज ली है, और इसके अंदर हम टमाटो सॉस डालेंगे और चिल्ली सॉस डालेंगे। हम तीनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास हरी चटनी है जो घर पे बनी होती है धनिया पुदीने की, अगर आपके पास वो भी है तो आप इसमें थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बर्गर में। के लिए हमारी सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हमने बर्गर की टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉर्न फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा क्रश कर लिया है। देखिए इस तरह से आप इसको किसी भी तरह से, या हाथों से भी हो जाता है, क्रश कर लीजिए इसको अच्छे से। तो अब हम टिक्की बनाते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इतनी बड़ी टिक्की बनाई है, आप थोड़ी छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम अपनी टिक्की पे ये कॉर्नफ्लेक्स जो हमने क्रश किया था वो हम सभी तरफ इसकी लगा देंगे, और इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे हल्का हल्का। ये हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और हम इसको जब आप कढ़ाई में डालोगे तो आपको इसको डायरेक्ट इस तरह से डालना है। आप एक चम्मच पे इसको रख लीजिए, और इस तरह से आराम से डालोगे तो आपको छींटे वीटे कुछ नहीं लगेंगे। आप इसको ऐसे ही हल्का हल्के से आंच पे आप फ्राई कर लेना, क्रिस्पी कर लेना इसको। तो हम दूसरी टिक्की को भी तैयार कर लेते हैं, और उसको भी हम अच्छे से, और ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। एक्चुअली मेरा कैमरा था यहाँ पे, तो कैमरे की वजह से ये एकदम से गिर गई, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करना, वरना आपको ये आपका हाथ वाथ जल सकता है, तो केयरफुली इसे करना। इसे ब्राउन करना है टिक्की को, आप जैसे मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से करना। देखो हमारी एक टिक्की एक तरफ से ब्राउन हो चुकी है, और आप इसको ऐसे पलट दीजिए अच्छे से, ये क्रिस्पी हो जाएंगी। हमें जो इसकी फ्लेम है वो थोड़ी तेज नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम में ही हमने इसको फ्राई करना है। हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल कलर देखो कितना अच्छा कलर आया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि बहुत क्रिस्पी बनी है। देखो मैं आपको अपनी टिक्की की आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए कितनी मस्त आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कुरकुरी बनी है बहुत ज़्यादा, और इससे बर्गर बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमारी टिक्की बिल्कुल तैयार है, तो चलिए हम बर्गर बनाते हैं। बर्गर बनाना बहुत सिंपल होता है, उसमें जस्ट हमें अपने सामान रखना होता है। तो पहले आप पैन गर्म कर लीजिए, उसमें अपने बन को अच्छे से सेक लीजिए। आप चाहे तो दोनों तरफ से सेक सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी सेक सकते हो आप। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन का भी यूज़ कर सकते हो।
भी सामान ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें टमाटर को ऐड नहीं किया है क्योंकि मैं टमाटर नहीं खाती तो इसलिए नहीं किया है। अगर आप टमाटर खाते हो तो टमाटर आप ज़रूर रखना, बहुत अच्छे लगते हैं टमाटर। मैं एक्चुअली टमाटर नहीं खाती तो मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया। देखिए हमने इस पर खीरा लगा दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ किया है वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने कितना कुछ क्या क्या यूज़ किया है। आपको किसी भी फूड की रेसिपी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, तो हम आपके लिए उसकी वीडियो लेके आएंगे। कमेंट करना मत भूलना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो। बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको सेक लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी इसको सेक सकते हो, अब बनाने के बाद भी एक तरफ से इसको सेक सकते हो। जब आप सेको तो इसको ये पलटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप इसको पलट सकते हो, तो बहुत इजीली आपका ये पलटा जा सकता है। ये देखिए इस तरह से आप पलट लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, वरना आप सबसे बेस्ट है कि आप पहले सेक लीजिए इसको दोनों तरफ से, वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए हम दूसरा बर्गर भी बना लेते हैं, सेम ऐसे ही हम इसको भी तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।